वेल हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं अभी सॉलिड वर्क्स 2021 में सिखा रहा हूँ, जिसमें अभी तक हमने बहुत सारे लेक्चर्स आगे कवर कर रखे हैं। वो सबसे पहले आप अगर देखे, वो अगर नहीं देखे है तो अभी तक मैंने क्या क्या कवर किया है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे कि हर वीडियो में मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमने ये स्केच हमने कवर कर लिया है, और ये जो फीचर्स वाला फीचर है उसमें हमने एक्सट्रूड बॉस हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग देखेंगे एक्सट्रूड कट के बारे में, ठीक है। तो एक्सट्रूड कट इसलिए यूज होता है ताकि हम किसी भी पोर्शन, सपोज कोई भी मटेरियल है उसमें हम लोगों को कुछ कट करना है, तो उस मटेरियल को कट करने के लिए हम लोग एक्सट्रूड कट का इस्तेमाल करते हैं। मैं एक सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। सपोज मैंने एक फ्रंट प्लेन लिया और मैं उसमें स्केच कर रहा हूँ, 100 बाय 100 का मैंने एक स्लैब में बना रहा हूँ, 100 बाय 100 mm का लेंथ है यहाँ पे 100, और विड्थ है यहाँ पे 100, और थिकनेस सपोज मैं ले रहा हूँ 25 mm, 25 mm मैं ले रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। तो ये स्लैब है, इस स्लैब में सपोज मेरे को यहाँ पे सेंटर में मेरे को 10 mm का होल सपोज क्रिएट करना है, 10 mm या फिर 20 mm का सपोज, तो वो मैं एक्सट्रूड कट से मैं क्रिएट कर सकता हूँ। हालांकि होल को क्रिएट करने के लिए और भी कई सारे मेथड है। सपोज कोई भी जियोमेट्री, सर्कल के अलावा कोई और जियोमेट्री अगर मेरे को कट करनी हो, सपोज मेरे को यहाँ पे एक ट्रायंगल मेरे को कट करना हो, तो वो ट्रायंगल हम लोग कैसे कट करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज मैंने स्केच, ट्रायंगल कट करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्केच पे जाएंगे और ये वाले फेस सिलेक्ट कर देंगे, बाद में यहाँ पे हम लोग एक ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करेंगे जिसका कुछ ना कुछ डायमेंशंस होगा। डायमेंशन अभी मैं नहीं दे रहा, और फीचर्स में जाके मैं एक्सट्रूड कट कर रहा हूँ, तो ये ट्रायंगल सीधी कट हो जाएगी। सपोज मेरे को यहाँ तक मेरे को कट करनी है, मतलब फुल फुल मेरे को अगर कट करनी है तो मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रायंगल कट हो चुकी है। कोई ये कहेगा कि मेरे को ट्रायंगल पूरे विड्थ तक नहीं करनी, पूरे विड्थ तक नहीं करनी, पर मेरे को कुछ कम विड्थ तक करनी है, तो वो करने के लिए कट एक्सट्रूड में जाकर यहाँ पे एडिट फीचर्स जो लिखा है यहाँ पे क्लिक कीजिए, और ब्लाइंड में जाके यहाँ पे उसकी थिकनेस दे दीजिए सपोज 10, और ओके कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं ओके कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ 10 mm तक ही कट हुई। दूसरे ऑप्शंस बता रहा हूँ, एडिट फीचर्स में जाके अगर थ्रू ऑल करेंगे तो वो सभी पार्ट्स में, अगर आगे आपने कोई भी पार्ट्स अगर बनाया होगा, नीचे सर्कल बनाया होगा या फिर ऐसा कुछ पार्ट्स आपने ज्योमेट्री बनाई होगी, तो वो थ्रू ऑल कट हो जाएगा। तो ये है थ्रू ऑल ऑप्शंस, ठीक है। और ऑप्शन बता रहा हूँ, एडिट फीचर्स में जाके ये है अप टू नेक्स्ट। अप टू नेक्स्ट में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कहाँ तक आपको कट करना है। तो सपोज मैंने ये सरफेस ले ली और ओके कर दिया, तो यहाँ तक वो कट हो जाएगा। और दूसरे ऑप्शन है अप टू वर्टेक्स, यानी कि किसी भी एक पॉइंट तक, सपोज मैं पॉइंट ए ले रहा हूँ तो ये यहाँ तक कट हो जाएगा, तो इसमें आपको पॉइंट एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। और फीचर्स देखते हैं, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। अप टू वर्टेक्स, अप टू सरफेस, जिसमें सरफेस से आपको सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि नेक्स्ट की तरह। अप टू नेक्स्ट में नेक्स्ट सरफेस तक ही वो कट हो जाएगा। अप टू सरफेस आपको सरफेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऑफसेट फ्रॉम द सरफेस, ऑफसेट फ्रॉम द सरफेस में आपको कितने एमएम ऑफसेट पे आपको कट करना है। सपोज आपने 5 mm लिख दिया, 5 mm लिख दिया, वो सरफेस कौन सी है, तो यहाँ से
तो यहां से 5 mm तक वो कट हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये कुछ फीचर्स है कट एक्सट्रूड कमांड के लिए। अप टू बॉडी वो बॉडी तक होगा, दूसरी कोई बॉडी है वहां तक कट हो गया। मिड प्लेन में वो दोनों साइड कट होगा, ऊपर नीचे दोनों साइड, यहाँ पे देख सकते हो आधा नीचे कट होगा आधा ऊपर कट होगा। हालांकि यहाँ ऊपर तो कोई कट करने का कोई सवाल नहीं होता, तो वो आधा ही कट करेगा। तो इस तरह से आप कट कमांड पे फंक्शंस आप कर सकते हो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।